ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन को हम पढ़े थे और क्लासिफिकेशन के अंदर हमने सब डिवीजन हेपेटिक ऑप्सिडा एंड सब डिवीजन ब्रायोफाइट्स को ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एंथोसिरोप्सिडा की। एंथोसिरोप्सिडा को हम हॉर्नवॉर्ट्स भी कहते हैं, हॉर्नवॉर्ट्स, और ये काफ़ी डिफरेंट होते हैं फ्रॉम हेपेटिक ऑप्सिडा एंड ब्रायोफाइट्स। और वो डिफरेंट किस तरह से होते हैं, वो इस तरह से कि ये काफ़ी एडवांस होते हैं एज कम्पेयर टू लिवर वॉर्ट्स एंड मॉसेस। और वो एडवांस किस तरह से होते हैं, वो एडवांस जो है वो इसका स्ट्रक्चर होता है। जब हम स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं ताकि आपको पता चल जाए, हमने कहा कि दे आर स्लाइटली एडवांस्ड देन ब्रायोफाइट्स एंड हेपेटिक ऑप्सिडा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में देखें तो इसके प्लांट स्ट्रक्चर में जिस तरह से हमने ऑलरेडी बात की है, दो जनरेशन्स पाई जाती हैं, गेमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट जो है वो आउटलाइन में इरेगुलर होता है। इसी तरह से इसके अंदर जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो गेमेटोफाइट जनरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आमतौर पर हम ब्रायोफाइट्स के अंदर देखते हैं कि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो अपनी नरिशमेंट और प्रोटेक्शन के लिए गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन एंथोसिरोप्सिडा वो वाहिद ग्रुप है जिसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और क्यों नहीं होता, उसकी एक मेजर रीज़न है। वो रीज़न ये है कि स्पोरोफाइट के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट है, स्टोमेटा, और स्टोमेटा के साथ साथ इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और हम जानते हैं कि जब क्लोरोप्लास्ट हो और स्टोमेटा हो तो क्या होता है, वहाँ फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो जाता है। तो इट मींस कि स्पोरोफाइट जो है इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड, अपने खुद फूड प्रिपेयर कर सकती है ये जनरेशन, तो ये इंडिपेंडेंटली भी सर्वाइव कर सकती है। यही वजह है कि अगर एंथोसिरोप्सिडा में गेमेटोफाइट जनरेशन टोटली डिके कर जाए या डेड हो जाए, तब भी ये प्लांट सर्वाइव कर लेता है अपने स्पोरोफाइट की मदद से। सो दिस इज़ वाई से दैट स्पोरोफाइट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में जो ख़ास बात है, ये डिफरेंट बात है, वो ये है कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं यानी कि एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, दे आर संकन इन टू गेमेटोफाइट। यानी कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है वो गेमेटोफाइट अंदर से ग्रो होकर आ रहे होते हैं। और क्योंकि हमने देख लिया कि स्पोरोफाइट जो है इसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड, यही वजह है कि हम कहते हैं कि इट्स स्पोरोफाइट इज़ एडवांस्ड। यानी कि इसके अंदर एडवांस्ड करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं और यही करेक्टरिस्टिक्स इसको लैंड के ऊपर सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमने देख लिया एक स्पोरोफाइट और एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया को। इसके अलावा एक और डिफरेंट चीज़, या आप कह सकते हैं कि एडवांस्ड फीचर जो कि प्रेजेंट है एंथोसिरोप्सिडा में, वो ये है कि इनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं एट द जंक्शन ऑफ फुट एंड कैप्सूल। फुट और कैप्सूल के दरमियान में जो उनका जोड़ बनता है वहाँ ये प्रेजेंट होंगे। और इनका काम क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है ये हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने में। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटिन्यूसली सेल्स को ऐड करते जाएंगे और इनकी मदद से होगा क्या कि स्पोरोफाइट के अंदर नए नए सेल्स आते जाएंगे। और न्यू सेल्स के ऐड होने से होगा क्या, अल्टीमेटली ये होगा कि क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत फास्ट ग्रोथ रेट होता है, तो उसके रिजल्ट में जो स्पोरोफाइट होगा उसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। और यही वजह है कि इस प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो साइज़ में भी बड़ा होगा। इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो एंथोसिरोस इसकी एग्ज़ाम्पल है। और ये एंथोसिरोस जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी प्रेजेंट है, हिली एरियाज़ में मोस्टली आप इसको देख सकते हैं। इस इमेज के अंदर भी आप देख सकते हैं, ये है एंथोसिरोस। और जैसे कि हमने बात की है इसके स्ट्रक्चर के अंदर कि इसमें जो स्पोरोफाइट है वो इंक्रीज़ करते जाते हैं लेंथ में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा ज़्यादा होती है। और स्पोर्स बनने का जो प्रोसेस है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, मैचुरेशन ऑफ स्पोर्स और डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, इन तीनों प्रोसेसेस में ऐसे होता है कि नए नए सेल्स जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ऐड होते जाते हैं स्पोरोफाइट में। एक इमेज है मेरे पास और इसके अंदर आप अगर आप देखें तो आपको हॉर्नवॉर्ट्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एरिया क्या है, ये इसका फुट रीजन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आपको दिखाए गए हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते जा रहे हैं। और वो प्रोड्यूस होके कहाँ जा रहे हैं, वो
स्पोरोफाइट का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जबकि स्पोरोफाइट के अंदर आप देख सकते हैं कि स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और सिर्फ हॉर्नवॉर्ट्स के केस में ऐसा होता है कि स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड गमिटोफिटिक जनरेशन दे बोथ कंबाइन टू मेक अप द प्लांट बॉडी। नॉर्मली जब हमने लिवरवॉर्ट्स की बात की थी या मॉसेस की बात की थी तो हमने कहा था कि प्लांट बॉडी जो है वो गेमिटोफाइट जनरेशन बना रही है, लेकिन हम इस केस में जानते हैं कि इसमें स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है। यही वजह है कि ये दोनों जनरेशन्स मिलके प्लांट बॉडी बनाती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एंथोसेरोप्सिडा पे, और इसके साथ ही हमारी जो क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइट्स की वो कंप्लीट हो जाती है। आज के लेक्चर को समराइज़ कर लेते हैं। आज हमने एंथोसेरोप्सिडा को पढ़ा, और एंथोसेरोप्सिडा को हम हॉर्नवॉर्ट्स भी कहते हैं। हमने कहा कि ये स्लाइटली एडवांस्ड हैं एज़ कम्पेयर टू लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस, और वो एडवांस्ड किस तरह से हैं वो इसका स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा कि इसमें जो गमीटोफाइट है वो इरेगुलर पाया जाता है, यानी कि उसकी आउटलाइन जो है वो इरेगुलर होगी। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो स्पोरोफाइट है वो इसमें इंडिपेंडेंटली भी सर्वाइव कर सकता है, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर स्टोमेटा और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। इसके अलावा स्पोरोफाइट के ऊपर एक लेयर होती है क्यूटिकल की, और ये क्यूटिकल की जो वैक्सी लेयर है ये इसको हेल्प करती है अगेंस्ट वाटर लॉस। इसके अलावा आज के लेक्चर में हमने देखा कि हॉर्नवॉर्ट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो हेल्प करते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन को ग्रो करने में। और वो किस तरह से हेल्प करते हैं, वो ऐसे हेल्प करते हैं कि जब भी स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन है वहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन हो रही हो या स्पोर मैचुरेशन हो रही हो या स्पोर्स डिस्पर्स हो रहे हो, तो इन तीनों फेजेस में स्पोरोफाइट के ऊपर न्यू सेल्स जो हैं वो ऐड होते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इसीलिए स्पोरोफाइट की जो लेंथ है वो फॉर इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होती जाती है। इसके बाद हमने एक एग्जांपल देख ली जो कि है एंथोसेरोस, और जैसे कि हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है इस इमेज के अंदर आप इसको डिटेल में देख सकते हैं।